कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा। बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके गिली राज ऐसे कैमरा पर्सन नारायण के साथ में ते विषय हमारे इस कार्यक्रम में और रह के हमने की समाज के विकृति कौन कौन चीज़ बा और हमारे अपन विकृति के कैसे हटा सकल जी, हमने के असर सभ्य समाज निर्माण कैसे कह सकल जी, और इतने भरना हो कि हमन के अपन जीवन सफल बनाए के साथ में हमारे तमाने व्यक्ति से वहाँ के परामर्श यानी कि विचार के आदान प्रदान कल जत, और इतने बार ना हो कि हमारे जान पहचान व्यक्ति से यानी कि संबंधित विषय में जानकार व्यक्ति से वहाँ के विचार यानी कि वहाँ के विचार भी हमारे अंतर्वार्ता के रूप में हो या कौन भी माध्यम से हमारे वहाँ के विचार आदान प्रदान कल जत। ते आज भी हमारे ये कार्यक्रम में रह के हमारे एक व्यक्ति के न्योता धल गिलवा थारू सांस्कृतिक संरक्षण समिति तथा अनुसंधान केंद्र यानी कि थारू संग्रहालय के अध्यक्ष हमारे वहाँ से बातचीत कर ली। ते वैसे हमन के नेपाल में कहा जा तमाने संग्रहालय बाटे बकिन का रूपंदेही में एकमात्र चिनारी रूप में थारू संग्रहालय जोन के हमन के तिरुत्मा नगर पालिका एक बनवाटी के में अवस्थित बा। ते भर के निर्माण कार्य संपन्न होत बा यानी कि शुरुआत हो सकल बा। हमारे वहाँ के अध्यक्ष से बातचीत कर ली और ते कार्यक्रम में आपके स्वागत बा, धन्यवाद। हाँ ते हाँ वैसे थारू सांस्कृतिक संरक्षण समिति यानी कि थारू संग्रहालय के अध्यक्ष आप अनिरुद्र प्रसाद चौधरी, हाँ ते वैसे जो ये कहिया स्थापना कल गए थे थारू संग्रहालय? ये आपके स्थापना थारू कल्याणकारी के नेतृत्व में 2071 साल में पशुपति उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटिहावा में एक साधारण सभा के बीच में एक आम भेला के बीच में जौन बा 71 साल में स्थापना भर के हम आप सबके जानकारी करावत बाटी। हाँ तो वैसे हमन के थारू संग्रहालय वैसे हमन के कहा जला कि अब नेपाल में तमाने थारू संग्रहालय बाटी बकिन का, जिसे एक मुख्य उद्देश्य का होते जो न कि आप तिलोत्मा नगर पालिका एक बनबाटी का यानी कि जो न थारू संग्रहालय बा बनबाटी के में अवस्थित बा, ते एक खास उद्देश्य का हो? वास्तविक संग्रहालय तो बहुत किस्म के बात है, बहुत जगह भी बाटे जौन बा, लेकिन हमन के यहाँ स्थापना कर के मुख्य उद्देश्य जौन बा थारू इतिहास कला संस्कृति भाषा संरक्षण यानी संवर्धन करे के खातिर हमरे स्थापना कर गए बा। एकरे अलावा थारू नाच गान के जौन बा एक आगे बढ़ावे के यानी मनोरंजन करावे के खातिर हमन के उद्देश्य भी बा। और थारू खान पीन के प्रकार एक व्यावसायिक रूप में ले जाए के हमन के सोच बा। थारू संस्कृति संरक्षण करे के हमन के मूल उद्देश्य बा, और थारू जीवन शैली झलकाए के यानी पहचान करावे के खातिर फोटो मूर्ति आदि रखे के हमन के सोच बा। और विभिन्न समय में बैठक गोष्ठी करे के भी जन्म हमन के ही सोच बा, और समाज के कैसे आगे बढ़ावल जाए कह के जौन बा संग्रहालय के मुख्य उद्देश्य बा। हाँ तो वैसे हमारे इतना घड़ी बातचीत कर लिया बा थारू सांस्कृतिक संरक्षण समिति तथा अनुसंधान केंद्र थारू संग्रहालय बनबाटी का रूपंदेही के अध्यक्ष अनिरुद्र प्रसाद चौधरी से, उसे हम बाटी कार्यक्रम संचालक राज ऐसे ने कैमरा पर्सन नारायण के साथ में। तो वैसे हमन के जो नहीं थारू संग्रहालय बा कि एक क्षेत्रफल कितना बताए यानी कि कितना क्षेत्रफल में अगोटल गई बाई 2071 साल में हमन के यहाँ स्थापना भई। बनवाटिका के अध्यक्ष बाबूराम अरियाल जी के नेतृत्व में जो गठन भइल बा समिति, उस समिति बनवाटिका के समिति हमन के एक बीघा 5 कट्ठा जितना जगह ही जौन उपलब्ध करेले बाटे, और उस जगह में हमारे थारू संग्रहालय
निर्माण करे के खातिर थारू एक डीपीआर हमरे तैयार कल गई बा। थारू संग्रहालय निर्माण करे के खातिर उ डीपीआर में उ थारू संग्रहालय निर्माण करे के खातिर कितना खर्च लागी कैसे कितना खर्च के लागत में तैयार हुई कहके हमारे एक छुरिया मोटा मोटी थोड़े से अनुमानित खर्च भी निकाल गई बा। ओकर लागत बा 2 करोड़ यानी 48,56,000 यानी मोटा मोटी कहल जा कि इतना जौन बा हमारे ऊकर मने लागत हाँ लागत 2.5 करोड़ के लागत हाँ लागत में हमन के निर्माण करे के लक्ष्य रखल गई ला। लेकिन वो 71 साल के हमन के वो लागत खर्च हो आज 75-76 लग गई बा तो खर्चा भी बढ़ी एक नाते से लगभग लगभग आप सब समझल जा कि मैंने 3 करोड़ के लागत में जौन बात हमन के सोच बा। और तत्काल जौन बा कहल जाए तो नगर पालिका तिलोत्तमा नगर पालिका के सहयोग से हमरे 30x20 के जौन बा एक शेड निर्माण कल गई बा। अब ये हमन के शुरुआत हो गई बा। अब क्रमशः जौन बा हमरे आगे बढ़ते जाए जाए और आप सबके सहयोग के अपेक्षा रखल गई बा और सहयोग भी दिहल गई बा और सहयोग पाइल जाए कह के जौन बा हमरे अपेक्षा रखल गई बा। हमन के समिति हमार समिति हमार नेतृत्व में जौन समिति गठन भइल बा बहुत अच्छा समिति बा। आज तक ले हमारे हरेक महीना में बैठक बैठल जात बा सबके सहयोग सलाह सुझाव से हमरे आगे बढ़ल जात बा। हाँ तो वैसे हमन के जौन डीपीआर अनुसार के जैसे अब ये संग्रहालय भीतर पढ़ना है यानी कि संस्कृति भीतर पढ़ना है। अब जैसे कहने की पहले की अब कुल देवता रहने और हमन के अंगना क्या रहा तो अनुसार के थोड़े से जो अनुमान यानी कि डीपीआर अंतर्गत के जानकारी दे सकल जी जिसे पूर्व पश्चिम में केहर देवता चाहिए और केहर हमन के थारू कला के संस्कृति के चीज रखल जाए वो सब थोड़ी सी जानकारी देख सकल जी। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न कल गई। अब जैसे संग्रहालय हमारे बनाए जाए जात बा उ संग्रहालय जैसे हमन के पहले कौन शिला घर होते रहे वह कौन शिला घर के अनुसार वह कौन शिला घर ही जैसन हमारे संग्रहालय बनाए जाए जात बा घर बनाए जाए जात बा। और बीच में अगना न रख के अग्नि सराह जौन बा बीच में एक पोखरी रखे के जौन बा हमन के सोच बा। उ पोखरी में पानी रख के जौन बा हरा भरा उनमें जौन पानी में उपजे वाला हो पानी में जामे वाला हो पानी में जौन बा रहे माने तैयार होए वाला जौन ये बिरुआ माने बाटे उ जैसे कुइयाँ भइले और जलकुंभी भइले ये सब रख के जौन बा एक हरा भरा जौन बा तौन एक अच्छा ताकि जौन वो बीच में संग्रहालय देखे के खातिर जे पर्यटक लोग आई हैं वो पर्यटक लोग जौन बा शांति अनुभूति प्राप्त करें कह के जौन बा हमारे के ये सोच रखल गई। हाँ कल के मतलब जैसे हमन के थारू संग्रहालय में प्रवेश करते बिला में जो हमन के कोनो भी पर्यटक आई हैं ते उखन के मने दूसर हो जाए मने दूसर हो जाए कह के हमन के सोच कहने की अब हमन के हर एक व्यक्ति जो अपन काम के सिलसिला में जो दिन भर काम करत रहने और थकान एक ठू दूर हो नहीं सकल खान पीन भर से थकान दूर नहीं होला एक चीन मन प्राप्त हुई बगिन का उखन के मन में एक ठू जो ना दूषित विकार चीज जो एक ठू उत्पन्न होते रहला और वहाँ जैते कि उखन के मन शांत हो जाए यानी कि फ्रेश हो जावा कहके सोच रख सुख शांति अनुभूति हो कहके जो बा हमन के ही सोच बा। और ये भर नहीं हमन के वन बाटिका भीतर ये पंछी लोग बाटे चिड़ै लोग बाटे उन्हन के संरक्षण करे के हमन के ये भी उद्देश्य बा। और जड़ी बूटी रोप माने लगा के जड़ी बूटी के जौन बा तौन ओके बाजार में बिक्री वितरण कैल जाए कह के ये भी सोच बा। ये सब हमन के उद्देश्य में रखल गई बा। हाँ तो वैसे हमन के जौन इस संग्रहालय भीतर कौन कौन चीज रखे के सोच रखल गई बा। अब जैसे कहने की जैसे अब पहले के हमन के गहना गुड़िया होबे के ओकर बाहे के हमारे कौन कौन
चीज रखले पर हमन के जिससे पर्यटक लोगन जइहे ते उ सब अनुमान कइ सके कि ए थारुन के माने एकटु चिनारिक रूप में हो कइ के अबे भेष भेषभूषा ते माने होबे करे गाना तो होई गेल हां एकरे बाद में ए आदिम काल के जोन हमन के आजापुर का लोग आज आजापुर का लोगन के जोन हम रखले रहने उ हर हर हथियार और फोटो मूर्ति ये सब हमारे संग्रह कह के उ संग्रहालय में रखे के हमन के सोच बा एकरे बावजूद जौन बा वहाँ जौन बा तन हमारे प्रत्येक भित्ता में है जौन बा हमन के संस्कृति कैसन बा कह के जौन बा तन हमारे उ दिखाए के जौन बा मने मूर्ति सब सकभर मूर्ति भी प्रयास कह जाई मूर्ति बनाए के हमन के अब सोच भी बा त ई सोच हमारे आगे बढ़ाए के खातिर दीवाल में भित्ता में है मूर्ति चित्र बनावल जाई एकरे बावजूद हमरे मने हमन के आर्थिक तब भाई अब वो में हमरे लग गेल गेल बा मूर्ति भी बनाए के उ है जैसे गाड़ा जोता था गाड़ा के जौन बर्तन मूर्तिये बनाई जी ओके गाड़ा प्रत्येक चीज जौन बर्तन दिखावल जाई कल के मतलब जैसे अब लड़िया हमरे लड़िया हां लड़िया लड़िया आज जैसे हाथ जोता था ओके फोटो में भी दिखावल जाई और जौन मूर्ति में भी दिखावल जाई जैसे मछली मारत हटे मेहरारू लोग मूर्ति भी दिखावल जाई फोटो भी दिखावल जाई माने ई कुल हमन के ओकर बाहे के जोन हमन के एक झिंगुरी कहल जात नी झिंगुरी कहल जाला जैसे ढीमर कहल जाला और जात में नाई बा नाई वनहन पास रखने कोई नी कहाने बेवा कहाने खोंगा कहाने डेलिया कहाने ते एकर बाहे के जोन हमन के एक ठो जोन महिला लोगन जाता कह के हमरे सुनल जाती अभी कहीं की देखी मिलत और हमन के ठेकी और डेहरी और हमन के जोन गोणी कहने डेलवा कहने उ सब रख सोच रखल गेल बा कि नहीं ओके उ सब रखे के डेहरी भी रखल जाई ढकिया भी रखल जाई हमन के ई हमन के बस जौन कला माने ई जौन हमन के कला बा हमरे जौन निर्माण कइल जाता उ चीज हमरे वहां रखल जाई खाली रखने ही भर के नहीं दिखाए भर के नहीं ओके बिक्री वितरण भी करे के हमन के सोच बा कल के मतलब व्यवसाय के रूप में भी व्यवसाय के रूप में भी जौन बर्तन हमरे ओके खरीदल जाई एकरे बाद में केहू खरीदे के चाही लेबे के चाही तो ओके हमरे बेच भी सकल कल के मतलब जैसे काठ से और माटी से निर्माण होल चीज भी रखल जाई न रखल जाई आते वैसे जौन हमन के अब देखल जा रूपंदेही में भी तमाने संग्रहालय बना सोच रखले बाटे बकिन का जो न बनवाटिका में अवस्थित बा निर्माण कार्य होत बा यानी कि आप सब सोच रखल गेल बा ते और संग्रहालय और बनवाटिका के संग्रहालय में कितना फर्क पा सकल जी और संग्रहालय सीमित अपन क्षेत्र भीतर जैसे वार्ड में बाटे लेकिन हमार ई जौन संग्रहालय हमरे निर्माण करे जाय जाता ई समिति में है ई कार्य समिति में है जिला भर के जौन बा व्यक्ति बाटे प्रभुत्व लोग व्यक्ति बाटे हां कहल के मतलब जैसे तिलोत्तमा नगर पालिका में अवस्थित बा बाकी का रूपंदेही भर के व्यक्ति बाटे रूपंदेही भर के व्यक्ति बाटे एमे है इन आई बा के माने तिलोत्तमा भर के तिलोत्तमा के माने ढेर कुल बाटे लेकिन और जगह के जौन बा तन थोड़े से लेहल गेला लेकिन जिला भर के समेट के हमरे ई जाय जाता लेकिन हमर के यहां बनवाटिका में उपलब्ध कराइल के बहुत हम अपने के लिए हम थारू समाज के लिए थारू समुदाय के लिए बहुत हमारे भाग्यशाली बाटी कि हमारी वन वाटिका में हमन को कुछ जगह ही मिल गई हमन के पहचान आज जौन बा हमरे एक ठुजा सेठ बनाए के हमारे माने हमारे जौन बनाई गई बा तिलोत्तमा नगर पालिका के सहयोग से ये हमन के ठुजा वहाँ हमारे पहचान एक ठुजा करे सकल गई और भावी दिन में आगे आने आए वाला दिन में हमारे तिलोत्तमा नगर पालिका के साथ साथ बनवाटिका के भी जौन बा हमारे विश्व में चिन्हावे के खातिर हमारे ई लक्ष्य लेके जौन बतन ई बनवाटिका में संग्रहालय बनाए के सोच रखल गई और बनाई जाई और दिखाई जाई आते वैसे हमन के जौन थारू संस्कृति के संरक्षण करे के सोच रखल गई बा आप सब ओकर बाहे के जौन हमन के समाज में विकृति विसंगति बा ओके भी हमरे कैसे हटा सके कोनो योजना रखल गई बा जिसे कार्यक्रम मार्फत हाँ कार्यक्रम मार्फत
ई संग्रहालय खाली संग्रह कह के यहाँ रख के जौन बतौन पर्यटक लोगन के जौन बतौन एक छुरिया देखावे के खातिर नहीं की एकरे बावजूद भी हमर के ई सोच बा कि एक चेतना मूलक कार्यक्रम कह के जनता के अपन समुदाय के कैसे आगे बढ़ाए के और ये कुलत से और ये जौन बा अंधविश्वास जौन चीज बाटे कुरीति जौन बात है कैसे हटाई जाए कह के हमन के ई सोच लेके जौन बात ने कोनो चेतना मूलक कार्यक्रम हमरे कह के भी आयल गेल और कई भी जाए जाई और आगे हाँ भर सकते हमरे ये में ई कुल कार्य में हमरे सफल हो जाए अगर जो मने हमरे सही रूप से अगर जो जाय सकल जाए तो हमारे सफल भी मतलब कि समाज के जो विकृति विसंगति बा और ओके हटा के कैसे असल सभी समाज के निर्माण कर सके एक उद्देश्य भी हो बस वो यो उद्देश्य बा ओकर हते जो एक से पहले जो न कौन कौन काम कल गेल कि हमन के समाज में बढ़िया प्रभाव पड़े कह के और आगामी सोच का बात है वैसे तो हमारे पाँच उतना अभी तो शुरुआत बाई उतना कार्यक्रम नहीं कह के बना तब भी जौन बा हमरे मने कोनो शिविर जौन बा आँखा शिविर और मने स्वास्थ्य शिविर ये कुल जगह जगह हमरे कैल गेल बा खिचड़ी महोत्सव तो हमरे यहीं मनाएल गेल वनवाटिका भीतरे मनाएल गेल और आगामी आगे आए वाला दिन में भी जौन बा तौन मनाए के हमरे सोच रखल गेला वैसे अब आवत बा ये नागपंचमी नागपंचमी भी हमारे सोच रखल गेला कि नागपंचमी भी वनवाटिका के ही मने क्षेत्र के अंदर जौन बा तौन हमारे मनावल जा कह के ये सोच रखल गेल मने हर एक जौन बा हमन के संस्कृति जौन बा चाट पर्व तर त्यौहार उ सब जौन बा हमारे अपने संस्था के अंतर्गत ही अपने संस्था जहाँ हमन के संस्था कायम बा वही मनावल जा कह के हमन के सोच बा और मनाएल भी जाए जी हाँ तो वैसे आप सब जो ने बनवाड़ी का भीतर यानी कि थारू संग्रहालय भीतर कौन भी कार्यक्रम आयोजना कल जात बा और कल जी के खाल गेल अते बाहर जो गाँव गाँव में और जिला में अपने हिसाब से मनात बाटी और आप सब खिचड़ी महोत्सव भी सम्मान कह चुकल बाटी बनवाड़ी के यानी कि थारू संग्रहालय के हिसाब से वहीं भीतर अते जिससे बाहर गाँव गाँव में और थारू संग्रहालय भीतर मनैली में कितना फर्क बाते देखल जाए उसे तो अब जहाँ अपन समुदाय बाटे वहाँ तो मने जुटबे करें लेकिन हमारे जितना सोच रखल लाल गई कि इतना नहीं जुटी है उसे जौन बताऊँ डबल तिरबल भी जनसमुदाय लोग जौन बा दर्शक के रूप में वहाँ जुटल रहने और हमारे देखल गए हजारों हजार जौन बताऊँ वहाँ दर्शक लोग रहने खिचड़ी मनाए के खातिर जौन बताऊँ उ चाट उ पर्व जौन मनावे के खातिर वहाँ आयल रहने ऐसे जौन बताऊँ हमारे बहुत भाग्यशाली बाटी कि हमन के जौन बा संग्रहालय के सबके जौन बा तौन सोच बा कि कैसे से हमन के संग्रहालय बनी कह के जौन बा हमने के समिति भर के ना सोच रख होके हम मने उ खिचड़ी महोत्सव के दौरान में हमका अनुभव कैली कि मने सबके सोच बा कि संग्रहालय हमन के बने संग्रहालय बने हमन के एक ठू पहचान हो एक ठू पहचान के रूप में हमारे ये संग्रहालय यहाँ बनवाटिका में रखे पड़ल कह के जैसे और भी समुदाय लोग वहाँ रखले बाटे जैसे गुरुंग की भी बनवाटिका के अंदर मगर की भी और समुदाय के लोग की भी तो हमनों के यहाँ हमनों के पहचान के खातिर जौन बताऊँ वहाँ रखल जरूरी बा हमन के सोच भी और सबके तो पार्क बनाए के सोच रखले बाटे लेकिन हमन के सोच जौन बा शुरुए से जौन बताऊँ संग्रहालय बनाए जाए कह के हमन के शुरू से जौन बताऊँ सोच रखल गेल बा तो वैसे हमन के जौन थारू संग्रहालय भीतर कौन भी कार्यक्रम आयोजन कल जात बा तो वैसे गाँव गाँव में जौन अन्य कार्यक्रम अन्य संस्था भी करते रहते बाकी इनका वही समुदाय के भर लोग ही रहने जिसे अब थारू भी कार्यक्रम करिए गांव कोनो गांव में जिला में भी कहीं भी करिए बाकी इनका वही समुदाय के भर वो सब दर्शक के रूप में रहने बाकी इनका जो थारू संग्रहालय भीतर यानी कि बनवाड़ी का भीतर में कल गए ते अन्य जाति के भी वहाँ दर्शक इससे पहले भी आल आने दिन में भी अभी करिए ते उस सब कितना महत्व दहने जो जिससे एक जातीय संगठन के हिसाब से कार्यक्रम कल गए बाकी इनका अन्य समुदाय कितना महत्व दहने कर बहुत महत्व दहने एक बारे में तो मने बहुत आप सब बहुत सराहनीय काम कल जात बा और ये जौन बा
आपके आप सबके एक चुया पहचान के रूप में भी हुई। एकरे बारे में तो हमरे मने कितना सराहना कहले कि मने बहुत अच्छा कार्यक्रम कल गई और ये जहाँ ये संग्रहालय बनाया जाए जाता ये आप सबके एक चुया पहचान हो एमे आप सब आगे बढ़ल जा हमरे भी साथ दिहल जे कहके जौन बतौन अन्य समुदाय के लोग भी जौन बतौन हमर के सहयोग देवे वाला बाटे। हाँ तो वैसे जौन हमन के दर्शक बाटे कार्यक्रम देख रहल बाटे ओखन के ई जौन हमन के थारू सांस्कृतिक संरक्षण समिति तथा अनुसंधान केन्द्र थारू संग्रहालय के सोच के बारे में दर्शक के कुछ कह सकल जी अवश्य कह सकल जी हमन के सोच बा थारू संग्रहालय बना के थारू लोगन के पहचान कराए के खातिर थारू संग्रहालय निर्माण करे के बा और उ संग्रहालय निर्माण करे के खातिर हमार समिति लगाए हमके और हमार समिति लगाए हमारे आप सबसे सहयोग के अपेक्षा रखले बाटी और सहयोग कई जाए कह के संग्रहालय निर्माण कार्य में आप सबके सद्भाव सुझाव सहयोग पाई जाए हमारे कह के हमारे अपेक्षा रखल गईला आशा रखल गईला ये हम आप सबसे अनुरोध करत बाटी और ये निर्माण थारू संग्रहालय निर्माण कार्य में आप सब दो सहयोग कल जाए कह के हम आशा रखत। आते ये जो हमन के 2076 साल में यानी कि 800 के साल में अब हमन के साउंड से कार्यक्रम शुरू हो जाते कौन भी चाड़ पर्व आते कौन कौन कार्यक्रम रखल गई बा अबे असो तो हमरे ये नागपंचमी रखल गई ला सावन में बड़किया इतवार भादों में इकने बाद में माघ माघ में माघी जेके कहल जाला खिचड़ी ई बनावे के हमारे तीन ठुजिया कार्यक्रम वैसे तो बीच में और भी कार्यक्रम लेकिन हमन के ये संस्कृति के अंदर जौन बतौन पड़त यही नाते से एक हमारे ज्यादा फोकस दिल गई वैसे तो शिविर भी रखल जाए बात नहीं बा रक्तदान कार्यक्रम भी हमारे सोच बनाएल गई ये थारू संग्रहालय मार्फत हाँ थारू संग्रहालय मार्फत जौन बा स्वास्थ्य शिविर आँख वाला शिविर और रक्तदान कार्यक्रम ये कुल करे के जौन बात हमारे सोच रखल गई अब कौन महीना में कल जाए कि ई निर्धारण नहीं कल गई बा हमारे नहीं तोकल गई एक दिन लेकिन कई जाए कह के जौन हमारे सोच में रखल गई। हाँ तो वैसे इतना गरी हमें देखल बाटी कार्यक्रम संस्कृति सरोवर वैसे तो हमन के समाज में तमाने विकृति विसंगति बा तमाने संस्था कारण बाटी बकिन का हमन के समाज आगे नहीं बढ़ पाता जो कहते हैं बकिन का एकमात्र जोन के हमन के रूपंदही के बनबाटी का यानी कि शंकरनगर वन विहार तथा अनुसंधान केन्द्र बनबाटिक में अवस्थित बा थारू संग्रहालय यानी कि थारू सांस्कृतिक संरक्षण समिति तथा अनुसंधान केन्द्र थारू संग्रहालय एक ठो निर्माण कार्य सम्पन्न कर रहा बा ते अवश्य हमन के थारू संस्कृति कौन कौन चीज हो यानी कि हमन के थारू के वेशभूषा थारू के पहचान के बारे में हमरे देख सकल जी इतने बरना हो कि ई समिति आज तक तमाने चेतनामूलक कार्यक्रम करते आयल बा और करते रहे कि हमन के आज अध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद चौधरी से हमरे बातचीत कल गल ते उसे कार्यक्रम में आप अपन अमूल्य समय दल गए करके आपके हृदय से धन्यवाद देख चल जाता धन्यवाद आप आज हमन के हमके यहाँ बुलावल गई दुई शब्द कहे के मौका दिल गई एक लिए ढेर से ढेर आपके धन्यवाद बा। हाँ तो वैसे आप देखल गए कार्यक्रम संस्कृति सरोवर एक कहती आपके हृदय से धन्यवाद ऐसे देखते रहा जी बुद्ध समुदाय के टेलीविजन ऐसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण उन्होंने विशेष धन्यवाद दी हमन के आज के अतिथि अनिल प्रसाद चौधरी उनके विशेष धन्यवाद देते हम संचालक राज भी आपसे विदा होती नमस्ते।